हाय गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू थिंग्स टू बी डन इन द कमिंग मंथ। जो भी हमारे पौधे थे अब तक सो रहे थे, डॉर्मेंट थे, उन पर हमें क्या क्या काम करना है। सो द फर्स्ट थिंग इज टू डी लीव योर प्लांट। जितना भी डेड लीव्स हैं या इन्फेक्टेड लीव्स हैं उन्हें हमें हटाना और निकालना ज़रूरी है। और अगर लग रहा है कि कीड़ा लगा हुआ है तो उन पर ऑर्गेनिक स्प्रे या फिर कोई फंजिसाइड जो भी आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, नीम ऑयल, सोप वाटर या गार्लिक वाटर, चिली वाटर और मे बी एनी केमिकल इंसेक्टिसाइड, वट एवर यू यूज़, यू शुड स्प्रे दैम। सेकेंड पॉइंट है डी वीड करना। हर गमले में, हर पौधे के नीचे इस मौसम में वीड्स तैयार होने शुरू हो जाते हैं, एंड दो दे हैव ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लुक ब्यूटिफुल, बट स्टिल यू नीड टू रिमूव दैम। देन इट इज़ टाइम टू प्रून दैम। जितने भी डेड ब्रांचेज हैं आपको ऊपर दिखती हैं उनको निकालना ज़रूरी है, या फिर आपको लगता है कि पेड़ों को प्रूनिंग की ज़रूरत है, उनको प्रून करना ज़रूरी है। वैसे भी हमें अगर इस वक्त अगर हम प्रून करते हैं, ऊपर से सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं, तो पेड़ आते आते मौसम में, कमिंग मौसम में, मार्च में, अप्रैल में, बहुत अच्छा बुशी और अच्छी सी शेप ले लेता है और खूब अच्छे फ्लावर्स भी उसमें ग्रो होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमें एक नया पौधा तैयार करने को मिल जाता है। जो भी कटिंग्स हमें मिलती हैं मैं उनको कभी वेस्ट नहीं करती, आई ऑलवेज प्रोपगेट देम, आई रीग्रो देम। मेरी आदत है उन पौधों को टक इन करने की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ टू टिल द सॉइल। गुड़ाई निलाई निराई करना हमें गमलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कम से कम 1 से 1.5 इंच डीप इसकी गुड़ाई करनी चाहिए। 24 घंटे हमें इसको खुला छोड़ना है बिना पानी दिए, ताकि रूट्स को हवा लग सके, धूप लग सके। ये हो जाए उसके बाद हमें एक ऊपर की टॉप लेयर ऑफ द सॉइल निकाल कर, जो भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र इसमें डालकर, और फिर ऊपर की 1 इंच टॉप लेयर उसमें वापस भर के और अच्छे से डीप वाटर करना है। दिस इज़ द बेस्ट आइडियल तरीका है फर्टिलाइज़ करने का पौधों को। मैं जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही होता है, खाली जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें पोटाश और ऐड कर देती हूँ, बाकी ऑलमोस्ट सबके लिए सेम ही होता है। ये मेरा एक 24 इंचेस का पॉट है, इससे पहले एक जोरा और रोयो लगा हुआ था, वो हटाकर मैंने इसमें अमरूद का पेड़ इस बार लगाया है। और ये क्योंकि नीचे से साइडों से काफ़ी खाली और एम्प्टी है, मैं इसमें सनफ्लावर के सीड्स सो कर रही हूँ। गाइज, इस वक्त ये परफेक्ट टाइम है आपके फ्लोरल और वेजीज के सीड्स सो करने का, क्योंकि ये खाली जगह है। मैं जनरली बड़े गमलों में नीचे सो कर देती हूँ। इससे होता ये है कि अगर मान लो आपका ऊपर का पौधा डोरमेंट है, प्लांट डोरमेंट है, तो नीचे ग्रीनरी और कलर ऐड हो जाता है, जिससे कि आपका पॉट बहुत सुंदर लगता है। अगर आपका पॉट रूट बॉन्ड हो गया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उसको शिफ्ट करने का और प्रोपोगेट करने का। अगर प्रोपोगेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसे मेरे इसमें पप्स ग्रो हो रहे हैं साइड से, तो मैं सबको डिवाइड कर दूंगी, निकाल के अलग अलग कर दूंगी, या फिर आप स्टेम कटिंग से प्रोपोगेट करना चाहते हैं, या रनर से प्रोपोगेट करना चाहते हैं, या रूट प्रोपोगेट करना चाहते हैं, जैसे भी व्हाटएवर तरीका यू यूज़, यू कैन डू दैट एंड जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। या सो होप दीज टिप्स हेल्प यू इन सम वे ऑर द अदर। एंजॉय द कमिंग मंथ गाइज। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।